टाइम है या ब्रेक पे जा रहे हैं? नहीं, आप बताएं कहाँ चल रहा है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अलन हुवा अलन निकाह फिल मसाजिद बा आदमुन निकाह बरकतन ऐसरमूना। निकाह इस्लाम का वो शार है जो तमाम अंबिया में चला आया है। नबियों की सारी फहरस्त में निकाह है, कहीं जना नहीं है। निकाह वो अजीम चीज़ है कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे आसान करो और इसे आम करो। आसानी के एतबार से यहाँ तक आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के प्रूफ मिलते हैं कि एक जगह पर बच्चे बैठे हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, फरमाया या माशर शबाब, आप क्या कर रहे हैं? फरमाया जी हम आपस में खेल रहे हैं, बैठे हुए। फरमाया तुम में से जिस जिस की इस्तताअत है उसके लिए बेहतरीन शुगल यह है कि वो निकाह करे, बेहतरीन अमल यह है कि वो निकाह करे। निकाह ना करने की जो वजूहात हैं उस पर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़िया मैं आप अर्ज़ करना चाहता हूँ। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने, उनको अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत थी, हर किसी को होती है, अल्लाह सबको दे। जब वो फोत हो गई तो किसी ने कहा जी आप दूसरा निकाह कर लें। आपने फरमाया मैं दूसरा निकाह नहीं करूँगा, तन्हाई में बड़ा सुकून है। आपने ख्वाब देखा, ख्वाब में क्या देखते हैं कि आसमान से कुछ मखलूक उतर रही है और वो उड़ रही है और उड़ते हुए उनके करीब से गुजरते हुए कुछ कहना चाह रही है, ये सुनने वाली बात है। जी जी। अब उन्होंने कहा कि ये लोग कुछ कह रहे हैं आपस में, ये मेरे करीब से गुजरे तो मैं इनसे पूछूं ये क्या कहना चाह रहे हैं। जब पूछा गया, एक बंदा करीब से गुजरा तो भाई आप क्या कह रहे हैं? कहा जी हम ये कह रहे हैं कि आपके आमाल मरदूद हो रहे हैं। ये किस से कहा जा रहा है? हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह से। फरमाया उसकी वजह क्या है? फरमाया हम इससे पहले आपके आमाल को मुजाहिदीन के साथ उठाते थे, लेकिन जब से आपने सुन्नत से एराज किया और आपने कहा कि मैं ये काम नहीं करूँगा, यानी निकाह नहीं करूँगा, आप सुबह उठे तो आपने पहला जुमला क्या कहा? मुझे निकाह करवाओ, मुझे निकाह करवाओ। एक तो बात यह है कि ये जो हम छुपे चोरी छुपे जो शादी का कंसेप्ट है ना जी, इसमें यह है कि हुजूर ने फरमाया एलनु अलन निकाह फिल मसाजिद, निकाहों को एलानिया करो, मसाजिद में करो, मजमे में करो। निकाह का आसान तरीका भी इसी हदीस से साबित होता है कि चंद बंजे किलो दो छुहारे लेकर चले जाएं इमाम साहब के पास, खतीब साहब के पास, वहाँ जाकर आप इमाम साहब से कहें जी निकाह पढ़ा दें, ये 500 में 1000 रुपये में भी ये निकाह हो जाएगा, निकाह मुश्किल नहीं है। अब अगली बात जो मैं करने लगा हूँ कि मस्जिद के अंदर जब एक खतीब साहब जुमा पढ़ा रहे होते हैं, सामने बेशुमार लोग बैठे होते हैं, ठीक है जी, अब हम सब का चीखना चिल्लाना क्या है कि जी जो कानून बना रहे हैं या बनाना चाहिए उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अब जब जुमा पढ़ा रहे हैं तो जुमे में खतीब साहब तकरीर कर रहे हैं सूद पे, सामने कौन बैठा हुआ है? सूद खोर। उसे अंदर ही अंदर बात बुरी लग रही है। जुमा पढ़ाया जा रहा है, खुतबा हो रहा है चोरी पे, सामने कौन बैठा हुआ है? चोर। चोर को अंदर ही अंदर बात बुरी लग रही है कि ये बात मुझ पर हेट की जा रही है। जिनसे हम कानून का मुतालबा कर रहे हैं वो सारे चोर हैं, उनके अपने दरवाजे बंद होते हैं अय्याशी के, चोरी के, डाके के, जना के। वरना क्या लाहौर के अंदर ये पिछले साल वाकया नहीं हुआ कि जो ये दारुल ईमान होते हैं ना, ये दारुल ईमान से बच्चियां सप्लाई की जाती रही लाजिस के अंदर जी, वहां से बच्चियां सप्लाई की जाती रही, और वो औरत जिसने इस राज को फाश किया वो अदालत गई, वो कोर्ट गई, उसने वीडियो बनाई, यूट्यूब पर उसकी वीडियो मौजूद है, उसे क्या हुआ? उसे चंद दिनों बाद कत्ल करवा दिया गया। वो भी देखा मैंने। हाँ, ये गुजारिश ये है फैसल भाई, गुजारिश ये है, अंदाजा लगाए ना कि कितना सफा गुजारिश है, गुजारिश है, मेरी बात क्लियर होने दे। गुजारिश ये है कि यहाँ दीन का, हम लोग दीन इस्लाम के मानने वाले हैं, दीनदार नहीं हैं। हमारे यहाँ पर जो इस्लाम है, हमारी जो फिक्र है, हमारे सहाबा इकराम का कानून है, अहले बैत इज़ाम का कानून है, उसका एक तागूती निज़ाम से टकराव है और ये टकराव चलता रहेगा। जब तक ये तागूती निज़ाम इस अंदाज से चलता रहेगा ये टकराव चलता रहेगा। शायद मेरे अल्फाज में तलखी है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इसे डंके की चोट पर ये बात कहेंगे, हमने दीन को समझा नहीं। मैंने बिल्कुल, मैं इसकी तरफ अब अगले सेकंड में बढ़ूंगा। मेरे पास दो मौकफ रह गए, एक मुफ्ती नवीद साहब का और शाह साहब का। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।